हाय, वेलकम टू DRXUP फार्मा कंपनी। सो आज हम बातें करेंगे IPL टैबलेट को लेकर के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जनरल लैंग्वेज में प्रेगनेंसी को रोकने वाली दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली IPL की जब हमने बात की तो IPL क्या है, IPL की जो टैबलेट है वो प्रेगनेंसी को रोकती है। वो किस तरीके की प्रेगनेंसी को रोकती है ये हम बताएंगे आपको। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए दो टाइप की गोलियां मार्केट में आती हैं। पहली टैबलेट की हम बात करते हैं वो होती है जनरल प्रेगनेंसी या बर्थ कंट्रोल मेडिसिन, जिसको आपको 21 डेज तक कंटिन्यू लेना होता है। तो ये तो ही आपकी बर्थ कंट्रोल मेडिसिन। सेकेंड में आती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट। इमरजेंसी, अब जैसे हमने इमरजेंसी का नाम लिया तो इमरजेंसी में आती है आपकी IPL टैबलेट अनवांटेड 72, IPL 72। तो हम यहाँ पे जो डिटेल में बातें करेंगे, हम बातें करेंगे यहाँ पे IPL टैबलेट को लेके। अब ये IPL टैबलेट को मार्केट में इतना ज़्यादा फेमस क्यों किया गया है या इतना ज़्यादा लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं IPL का? जो एक्चुअली IPL की जो गोली है वो आफ्टर सेक्स विद इन 72 आवर्स आपको लेना होता है, वो भी जब आपको लेना होता है जब आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जस्ट लाइक कॉन्डम सेक्स के दौरान आप यूज़ नहीं किए हैं और आपको डर है कि महिला प्रेग्नेंट हो सकती है, उस कंडीशन में IPL की टैबलेट दी जाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि IPL की टैबलेट कितना ज़्यादा सेफ है? हर बार आप ये सेम मिस्टेक ऊपर वाले करते हैं, मतलब इंटरकोर्स के दौरान, इंटरकोर्स मतलब सेक्स के दौरान आप कॉन्डम वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या आप इसको रिपीट ले सकते हैं IPL टैबलेट को? ये काफ़ी एक क्वेश्चन है। आपको रिपीट इसलिए नहीं लेना है, जो अगर आप IPL की टैबलेट रिपीट यूज़ करते हैं, रिपीट मतलब या महीने में दो बार तीन बार आप यूज़ करते हैं तो इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हैं आने वाले टाइम में। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि इसको रिपीट क्यों नहीं लेना है। देखिए, रिपीट इसको इसलिए नहीं लेना है, ये करती क्या है, यूट्रस पे एक लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम लाइन को ये करती है थिन, मतलब पतला कर देती है। अगर ये पतला होगी तो इससे क्या होगा, आपको प्रेग्नेंट मतलब इन फ्यूचर अगर आप प्रेग्नेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, न्यूबॉर्न बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस केस में आपको बड़ा प्रॉब्लम फेस करना होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसको आपको रिपीट नहीं लेना है। सेकंड चीज, अभी हम बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है, मतलब IPL का जो IPL टैबलेट है उसका कंपोजिशन क्या है। देखिए, इसका कंपोजिशन होता है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, या जिसको हम कहते हैं लेवेनोजेस्ट्रोल, राइट। चलिए अभी बात आती है इसकी डोज की, इसको आपको लेना कैसे है। देखिए, इसका डोज होता है एक टैबलेट, वो भी विद इन 24 आवर्स। अगर आप 95% से 98% रिजल्ट चाहते हैं, मतलब सेक्स के 24 घंटे के बाद, मतलब 24 घंटे के अंदर ये आपको ले लेना है। अगर उसके बाद भी अगर आप लेते हैं, मतलब 72 घंटे के अंदर अंदर इसको लेना होता है, अगर 24 घंटे के बाद आप इसको लेते हैं तो इसका जो 80% तक हो सकता है, ठीक है। चलिए अभी बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट। देखिए, बहुत सारे या लेडीज़ इसको खा तो लेती हैं पर उनको एक्चुअल में साइड इफ़ेक्ट का पता नहीं होता है, तो वो साइड इफ़ेक्ट हम आपको बता रहे हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसको खाने के बाद आपको सर दर्द हो सकता है, पेट दर्द आपको हो सकता है, उल्टी आपको आ सकती है और जीस आपका मिचला सकता है, मतलब नोजी आपको हो सकता है। कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट भी हैं, मतलब अगर आप IPL की टैबलेट लेते हैं तो आफ्टर 1 वीक आपको ब्लीडिंग हो सकती है, और आपको जो आपका पीरियड है वो इरेगुलर हो सकता है, ठीक है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं इसके मार्केट रेट की। तो IPL का जो मार्केट रेट है वो क्या है? देखिए, IPL का जो मार्केट रेट है वो है 110 रुपये से 115 रुपये में, ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी। सो
आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आप हर रोज़ इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे।